हर्षित तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ. मीट माय हस्बैंड सैम. हाय. हेलो. तुम कैसे हो? कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? मैरिज लाइफ? अभी तो मैंने शादी नहीं की है. क्यों? कोई मिली नहीं. खैर ये सब छोड़ो. लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली. अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो जैसी पहले हुआ करती. चलो मैं चलता हूँ. आप लोगों को मैंने खामखा डिस्टर्ब कर दिया. तुम अपना ध्यान रखना. तुम भी. हाँ ओके सर. कौन था? दोस्त था. दोस्त था? दोस्तों से ऐसे मिलते हैं? तुम लंच छोड़कर खड़े होके यहाँ पर बातें कर रहे हो. मेरे माथे पर कुछ लिखा है? बैठो. तुम कौन थे? कॉलेज टाइम का दोस्त था और कुछ नहीं. सताक्षी सच सच बताओ कौन था ये? एक्स था. एक्स था. क्या चल रहा है तुम लोगों? सैम कुछ भी नहीं चल रहा. मैंने तो खुद ही से 3-4 साल बाद देखा है आज. मैं तो खुद चौंक गई कि ये यहाँ कैसे. 4 साल बाद देखा है तभी दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना ज्यादा खो गए थे कि होश भी नहीं रहा कि हस्बैंड सामने बैठा हुआ है. सैम ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई प्यार व्यार नहीं था. उसने हाय बोला तो मैंने बात कर ली बस. अच्छा 3-4 साल दोनों साथ रहे और जब शादी करने का नंबर आया तो मेरे पल्ले बांध दिया तुम्हारे माँ बाप ने. मुझे सेकंड ऑप्शन समझा तुमने? सैम ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने तुम्हें कभी भी सेकंड ऑप्शन नहीं समझा. और एक दिन शादी तो करनी थी ना. और मुझे तुम अच्छे लगे. मुझे तुमसे प्यार हुआ इसलिए मैंने तुमसे शादी करी. और तुम खुद बताओ शादी के बाद कभी मेरा फ़ोन बिजी गया है या मैं किसी फ्रेंड से मिलने गई हूँ क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही करती हूँ. खाना खाओ गुस्सा नहीं करो. मुझे नहीं खाना. मैंने खा भी लिया और मेरा पच भी गया. सैम क्या बचपना लगाया हुआ है. पास्ट तो सबका होता है ना. वो मेरा पास्ट था यार. और वो एक नंबर का धोखेबाज था. मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी. उसने मुझसे झूठ बोला था कि वो मुझसे शादी करेगा और शादी के टाइम पे वो भाग गया. वरना मैं क्यों उसके साथ रहती? मेरा मुझे नहीं खाना. अच्छा बेबी एक बात पूछूं. तुम तो काफी हैंडसम हो. कॉलेज टाइम में तो तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होगी. मेरी एक्स? अरे नहीं नहीं यार मेरी कोई एक्स एक्स नहीं रही. सच सच बताओ. हाँ मतलब कॉलेज में तो रहती है. मतलब लड़का हूँ यार और ठीक ठाक दिखता भी. रही है कॉलेज में तो रही है. कितनी? 2-3. 2-3? अरे सैम कैसे हो? शीतल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने आई थी. आफ्टर सो लॉन्ग तुम्हें देख रही हूँ. काफी टाइम हो गया कॉलेज के बाद आज मिलते. ये तुम्हारी वाइफ है? हाँ शी इज माय वाइफ. हर नेमी सताक्षी. मीट माय फ्रेंड. हेलो. हेलो. बेहद खूबसूरत है. हाँ खूबसूरत है. वैसे तुम आज भी खूबसूरत हो पहले की तरह. थैंक्स. और तुम भी तो हैंडसम हो. इवन पहले से ज्यादा हो गए हो. अच्छा हाँ वो तो हो गया हूँ. अच्छा ये सब छोड़ो. तुम्हें चॉकलेट याद है? मेरी फेवरेट थी ये. तुम आज भी खाते हो? क्या करूँ अब तुम तो मिले नहीं. तुम्हारी याद में ये चॉकलेट ही खा लेती हूँ. हाँ तुम मीना शीतल खा सकता हूँ इसको? अरे नहीं नहीं मैं खिलाती हूँ ना. नहीं मैं खुद खा लूँ. थैंक्स. ओके एंजॉय योर डे. मिलते हैं. अपना ख्याल रखना. थी? अरे ये मैंने बताया ना कॉलेज में मेरी फ्रेंड थी. काफी अच्छी फ्रेंड. कॉलेज फ्रेंड थी. फ्रेंड्स चॉकलेट खाते हैं याद में तुम्हारी? अरे तुम भी ना यार इतनी इतनी बातों को नोटिस करते हो. वो एक्चुअली क्या है कॉलेज में ना मेरी ये फेवरेट चॉकलेट हुआ करती थी और इसको ना मेरी चीजें कॉपी करने का शौक था इसलिए आज भी खाती होगी. वैसे भी कॉलेज छोड़े हुए मेरे को 4 साल हो गए. 3 साल में तुमसे शादी. छोड़ो ना ये सब बातें. वैसे ये तुम भी खा सकते हो. क्या चल रहा था? ये सुंदर है वो अभी भी. ऐसा किसी फ्रेंड में नहीं होता. सताक्षी वो मेरा पास था और तुमने तो बोला कि पास तो किसी का भी हो सकता है. फोन देना अपना. फोन दो. ठीक है देता हूँ. क्या नाम बताया? शीतल. शीतल इसका नंबर तुम्हारे फोन में अभी भी सेव है? अरे मैंने तो फोन चेंज किया था. अरे वो क्या है आईफोन में ना आईक्लाउड डालते हैं तो सारे कॉन्टेक्ट वापस आ जाते हैं तो शायद इसलिए. चैट बीएसएम
चेक तो 2020 की है ना। देखो वो हमारा पास था, भूल जाओ। डिलीट क्यों नहीं करी अब तक चैट? मतलब अभी भी इसकी पुरानी चैट पढ़ के तुम इसे याद करते हो? अरे मैं नहीं करता उससे प्यार, मैं अभी सारी चैट डिलीट कर देता हूँ। वो मेरे कहने पे तो तुम कर ही दोगे, तुम सारे लड़के ना एक जैसे होते हो, धोखेबाज हो। छोड़ो, चॉकलेट खाओगे? मुझे नहीं खानी उसकी दी हुई चॉकलेट। साक्षी सुनो गाइस, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। लड़की के पास के बारे में भले ही जान लो, लेकिन गलती से भी किसी लड़की को और खासकर अपनी वाइफ को अपने पास के बारे में कभी मत बताना, नहीं तो इस तरह मनाते रह जाओगे। मैं चला इसको मनाने, ताकि तुम अपना ख्याल रखना, और अगर ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है या हो चुका तो कमेंट करके बताना। बाय।